नागरिक आदाब एशिया टाइम के खास प्रोग्राम आज की बात में आपका खैर मकदम है। और आज हमारे साथ हैं जेएनयू के पूर्व छात्र, इस वक्त उर्दू सहाफत में एक बड़ा नाम है, जैन शमसी साहब, जो हमसे आज बात करेंगे। और इस वक्त हमारी बात होगी जेएनयू के मौजूदा इलेक्शन पर, जो आज इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं उसमें एबीवीपी को बड़ी शिकस्त मिली है और एक बार फिर लेफ्ट को कामयाबी मिली है। उस जीत को जो लेफ्ट ने जो उसकी जो जीत है, आज की जो जीत है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, जो रिजल्ट आया वो आना ही था, इसलिए कि जहाँ पर वैचारिक लड़ाई होगी वहाँ पर संघ या संघ के हामी जीत नहीं सकते। जेएनयू चूँकि वैचारिक यूनिवर्सिटी है, डिस्कोर्स का मौका देती है, लोगों को समस्या सच और झूठ को समझने की सलाहियत पैदा करती है, तो वहाँ पर ये नहीं चलेगा कि आप जो भी बोल देंगे लोग उसको मान जाएंगे। और जहाँ तक जेएनयू का सवाल है, तो जेएनयू को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश इस दौरान की गई, उसका भी एक रिएक्शन है। और इस इलेक्शन पर इसीलिए नज़र भी बनी हुई थी कि रिजल्ट क्या होता है, और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि बीजेपी इस जीत को एक सपना की तरह देख रही थी, जो विजय वर्गिया ने ट्वीट करके भी कर दिया कि भाई हम वहाँ के एबीवीपी के प्रेसिडेंट जीत गए हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा लेफ्ट फ्रंट मिल करके लड़ाई लड़ रहा है और एक तरफ एबीवीपी है, और एबीवीपी ने बहुत ही कम मार्जिन से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो आप देख रहे हैं कि 456 मार्जिन से उन्होंने उनको मतलब शिकस्त दी है लेफ्ट ने। तो ये जो उनका जो वोट परसेंटेज बढ़ा है कैंपस के अंदर, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? पूरा हिंदुस्तान एक हिंदुत्व के राह पे चल रहा है, वहाँ पर जेएनयू को बचा लेना ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये आप सही कह रहे हैं कि मार्जिन को देख करके तो लगता है कि भगवा ब्रिगेड वहाँ भी अपनी जड़ मजबूत कर चुकी है। इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ पार्टियाँ जो अलग से लड़ रही थी, जो NSUI हैं और दीगर पार्टियाँ हैं, उनके भी कुछ वोट जो लेफ्ट को जाते हैं वो कट गए, और इस वजह से भी हो सकता है कि वो, लेकिन हाँ, ये इस पर जेएनयू वाले को गौर करना पड़ेगा कि आखिर एक वक्त था जब लेफ्ट वर्सेस लेफ्ट की लड़ाई होती थी, आज टोटल लेफ्ट और राइट की लड़ाई है, राइट में भी सिर्फ एबीवीपी की। तो ये एक, मुझे तो लगता है कि ये डेरिवेशन है, और ये डरने की बात है। आगे हो सकता है जिस तरह की सियासत चल रही है, जेएनयू लाल किला नहीं रह पाएगा। बापसा की जो लड़ाई रही है वो अलग से लड़ रहे थे वो, तो एक तरह से दलितों का जो एक आंदोलन था, दलितों के जो स्टूडेंट आंदोलन था, वो एक अलग था, इसका क्या असर पड़ा होगा इस पूरे मामले? ये चीज़ जो हुई है ये वाकई एक समझने की चीज़ है, क्योंकि जिस तरह से नेशनल पॉलिटिक्स दलित के साथ जो कुछ भी हो रहा है, और लेफ्ट ने उसका साथ दिया, इसलिए पिछली बार भी ये लोग एक साथ नहीं लगे, तो जबकि ये कहा जा रहा था कि दलित और लेफ्ट के की एक यूनिटी बननी चाहिए, अब ये लीडरशिप की कोई कमी रही होगी, या फिर वो लोग अपना एक पॉलिटिकल स्टेज बनाना चाह रहे होंगे। अब सबको हक है अपना पॉलिटिकल स्टेज बनाने का, क्योंकि एक समय में वो भी शिवसेना भी वहाँ लड़ा करती थी एबीपी के साथ साथ। तो अब लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि दलित की जो पार्टी है उसको हर हाल में लेफ्ट के साथ आना चाहिए। निर्मला सीतारमण को जो खुद भी जो नहीं हुई है, उनको रक्षा मंत्री बनाया गया, जबकि उसी कैंपस को, पूरे कैंपस को एक तरह से एबीवीपी और उनके तमाम लोगों ने एक तरह से देशद्रोही का कैंपस करार दिया था, उसी कैंपस से निकली हुई खातून जाती है रक्षा मंत्री बनाते हैं। तो ये जो एक तरह से विरोधाभास भी कह सकते हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? हमारे डिफेंस मिनिस्टर को भी वहाँ की यूनियन को मुबारकबाद देनी चाहिए थी, एज ए जेएनयू स्टूडेंट, एज ए बीजेपी के मिनिस्टर नहीं बल्कि एज ए जेएनयू स्टूडेंट। और ये तो वाकई विरोधाभास वाली बात है कि जिस जेएनयू को आप देश का दुश्मन और
राष्ट्र का दुश्मन कहते हैं, वो आपके राष्ट्र के दुश्मन से लड़ने के लिए वही एक मिली जो भारत के दुश्मन से लड़ेगी। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ जो मैं देख रहा था उनके बनने के बाद, डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद, जी न्यूज़ वाले कह रहे थे कि बीजेपी को दुर्गा मिल गई। और जाहिर सी बात है दुर्गा से मका मामला इंदिरा गांधी का था, जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश हटाया, वाजपेयी ने उनको दुर्गा कहा। तो दुर्गा भी अगर उनको मिलती है तो वो जेएनयू से ही मिलती है। तो ये उनका विरोधाभास है जो सारे लोग देख रहे हैं। आप वहाँ जेएनयू में काफ़ी अरसा आपने गुजारा है और बहुत सारे ऐसे आपके दोस्त होंगे तो इस वक्त बीजेपी में और तमाम जगहों पर आप होंगे और एक बड़ा वक्त आपने वहाँ गुजारा है, तो आपने वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, कैंपस पॉलिटिक्स को समझने के लिए अगर कोई आम आदमी कोई समझना चाहे तो आप उसे कैसे समझा सकते हैं? एक बात अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वहाँ की एबीवीपी दूसरे जगहों से अलग है। उसकी वजह यह है कि वहाँ एक जो एक माहौल है कि आप कोई भी बात किसी भी स्टेज से कह सकते हैं और उसका जवाब भी आपको वहीं पर देना होगा। क्वेश्चन आंसर की का जो एक माहौल है उससे बहुत सारी चीज़ें, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और जो चीज़ की मालूम आपको लेनी है, अगर आप सिर्फ वहाँ प्रेसिडेंट डिबेट में शामिल हो जाएँ तो आपको पॉलिटिकली इतने आप इतने परिपक्व हो जाएंगे कि आप किसी के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो जेएनयू की पॉलिटिक्स एक खुला माहौल देती है, इसीलिए लोग वहाँ जब भी कोई भी आदमी एडमिशन लेता है, जब वहाँ जाता है तो वो एक तो मल्टीलिंगुअल हो जाता है, दूसरे इतने पॉलिटिकल सरगर्मियाँ होती हैं कि हॉस्टल में होती हैं, तो आप हॉस्टल में आप पानी की बोतल ले करके गए, देखा कि डिस्कशन हो गया, आप बैठ गए, तो आपकी समझ बढ़ती है। और एक सेहतमंद समाज के लिए समझ का बनना और समझ का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जेएनयू का इलेक्शन बहुत ही नुमाया है और वहाँ के इलेक्शन को समझने के लिए सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आप ये मत सोचिए कि आप क्या जानते हैं, आप ये देखिए कि दूसरे क्या जानते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि वो सही कह रहा है तो आप उसके साथ हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ नज़रिया बदलता है। जो स्थिति जो बता रही है, जो जिस तरह से उनका जनाधार बढ़ा है, इससे तो ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर एबीवीपी उन्हें क्रॉस कर जाएगी। फिर वही कहूँगा, कई बार ऐसा हुआ, कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ कि जब भी कैंपस में इलेक्शन के दिन ये बातें चली कि लेफ्ट हाफ, उस दिन जेएनयू के सीनियर पीएचडी करने वाले जो बिल्कुल रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं, वो हाफ पैंट पहनकर आँख बिना आँख धोए पहुँच गए वोट डाले कि नहीं लेफ्ट को नहीं हारना है। ये अलग बात है कि जो रुझानात हैं इंडियन पॉलिटिकल सीनेरियो में, तो उसमें बहुत सारे लोग, जैसे इंडिया में, हिंदुस्तान में जिस तरह से बहक रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ के स्टूडेंट ऐसा कर जाए। बहुत मुश्किल है जेएनयू से जेएनयू को छीनना, ये बहुत मुश्किल है, किसी के लिए भी मुश्किल है। देखिए ना, आप लेफ्ट का ही मामला ले लीजिए, ऐसा को लोग कहते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट है, ये नक्सल वाली है, ये फलाना है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें वहाँ पर लोग रखते हैं, तो वहाँ एक चीज़ तो मान के चलिए कि जो क्रीम लोग होते हैं, क्रीम स्टूडेंट है, वो वहाँ पहुँच रहे हैं, वो देख रहे हैं चीज़ों को, न सिर्फ जेएनयू में बल्कि पूरे इंडिया के सिनेरियो में, पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो में, तो वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं, अगर ये एक्सट्रीम लेफ्ट है तो एक तरफ एक्सट्रीम राइट है, तो अब इन दोनों का मुवाजना करते हैं तो उनको लगता है कि ये सही है, कम से कम ये एक डिस्कोर्स का प्लेटफॉर्म तो दे रही है। तो हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हवा चली और कोई जीत गया, लेकिन उस नज़रिए को हटाना बहुत मुश्किल। बहुत असर गवर्नमेंट पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट पर बवाना की सीट का असर पड़ा, लेकिन जेएनयू का बहुत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वो मूंग तो ज़रूर दलता है जेएनयू,
मैं अगर बहुत छोटे जुमले में कहूँ तो जेएनयू और केजरीवाल बीजेपी के लिए मोर के पैर जैसे हैं, जो वो जब वो ये दोनों को देखता है तो नाचना भूल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, नई दिल्ली।